पहली बात तो आप सबका मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आप मीडिया लोग ने इतना सपोर्ट किया, टाइम पर आए और इस इवेंट को आपने अच्छे से पूरा कवर किया है। एंड ये हमारा 5th एडिशन था मिस्टर मिस एंड मिसेस फेस ऑफ पनाश रनवे का। ये मेरे विनर्स हैं यहाँ पे एंड वी हैड अ लवली इवनिंग। इनकी प्रॉपर क्राउनिंग हुई है और काफ़ी लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया है, ब्लेसिंग्स दिया है ताकि ये अपने लाइफ में और आगे बढ़े। और एंड दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम टू शोकेस देयर abilities and talent. I wish them a best of luck. Thank you so much. हमने शुरू से सोचा था कि क्राउन्स खाली विमेंस के लिए भी नहीं होता है, बट जो राजा होता है, जो किंग होता है, उनके लिए भी होना चाहिए। तो जब मिस्टर उस टाइटल को जीतता है तो वो भी उस क्राउन का हकदार है, तो इसलिए हमने मिस्टर लोगों के लिए भी, जो विनर्स हैं, उनके लिए क्राउन बनाया है। कोविड के बाद पहला है जी, किस तरह रिस्पांस लगा? कहीं एक्टर्स भी आए थे यहाँ जी? नहीं, द रिस्पांस वाज गुड। काफ़ी प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया है। जितने भी लोग आए थे वो मास्क में आए थे, सैनिटाइज किया गया है उनको, और हमने कम से कम भीड़ यहाँ पे इकट्ठा की है। सो द थिंग वाज वेरी वेल मेंट। ये हमारा पूरे 5 महीने का प्रोसेस था। ये लोग सब अलग अलग जगहों से हैं, इनका पूरा प्रॉपर हंटिंग किया गया है, इनकी एबिलिटी देखी गई है और उस बेसिस पे उनको चूज़ किया गया है। और इनको जिस तरीके से हमने ग्रूम किया है और आज आप देख रहे हैं आपके सामने, ये मेरे जो फेस ऑफ पनाश है, मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आपके सामने हैं। जी मैं अगेन थैंक्स कहना चाहूँगा ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए हैं हमारे लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, जिसमें मिस्टर राहुल रॉय थे, हुसैन के हैं, डॉल्फिन दुबे हैं, रिचा सिन्हा जी हैं, एंड काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए हैं और जिनको हमने पनाश अवार्ड्स भी दिया है आज। और इसके साथ साथ हमारा क्वींस लीग गोल्डन अवार्ड जो हुआ है, ऑल ओवर इंडिया से जितनी भी ब्यूटी क्वींस हैं जो कि टाइटल होल्डर्स हैं, उनको पूरा फेलिसिटेट कराया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट वी आर कमिंग अप सून इन मार्च फॉर द वुमेन्स अवार्ड। थैंक यू सो मच। के बारे में बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ बट ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, बट विजय और हमी का जो करना है मेरे को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये लोग कर रहे हैं। और मैं बहुत इन लोगों को बहुत दुआएं देता हूँ इन लोगों को, कि मैंने कहा वो चीज़ करते हैं वो मेरे को बुला कर के करते हैं सब चीज़ें, तो बहुत अच्छा काम लगता है इनका, बहुत बहुत अच्छा है और बहुत काम करते हैं। मैं कर रहा हूँ उसको विशाल के बारे में, जब मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ बट जैसे वो कर रहा है, जैसे मेरा काम है ये सब चीज़ें करने का वगैरह, बहुत अच्छा काम करता है। एंड आई एम बहुत उसके बारे में, मैं सबसे पहले उसको पहले करता हूँ, मैं सब चीज़ें करता हूँ, मैं सो वेरी गुड। करेक्ट है, ये बहुत अच्छा काम है और मैं इनके बारे में बहुत चीज़ें मैं करता हूँ, सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं करता हूँ, सब चीज़ें मैं नहीं करता हूँ वैसे, बट पनाश का, हबीब का, सब चीज़ें वेरी बहुत अच्छा काम है। सॉरी आज मिलेगा, सब चीज़ें मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि पता नहीं तेजस का मैं चाह रहा हूँ, तेजस का मैं कर रहा हूँ सब, हाँ सोचता हूँ बट पता नहीं क्या होगा अभी तो सर अभी क्या है, बट अभी तेजस का आई वांट टू डू समथिंग। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यार सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद टू पनाश, टू विशाल कपूर, हबीब, परवेज, मोना, द एंटायर टीम जिन्होंने पूरा ये अवार्ड किया है। It's not very easy to you know, get all these things organized, you know, to get all the sponsors in place, to get all the everything which is connected to the awards, and I think it takes a lot to do it. Wish the entire team all the very best,
एंड इट्स वेरी गुड. आई थिंक जितने भी सारे लोग जो मेहनत करते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू द एप्रिसिएशन. एंड ये अवार्ड्स ये हैं जो बहुत सारे लोगों को और मोटिवेट करते हैं टू वर्क हार्ड. एंड फाइनली अगर इस साल नहीं जीते तो यू नो दे लुक फॉरवर्ड टू विनिंग इन द नेक्स्ट ईयर. सो आई होप दैट द अवार्ड जस्ट गोज बिगर एंड बिगर एवरी ईयर. विश द एंटायर टीम ऑल द वेरी बेस्ट. ये आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. जब से यहाँ पर आया हूँ, इट्स बीन वेरी वेरी एंटरटेनिंग. देयर हैव बीन सम गुड परफॉर्मेंसेस. द ब्यूटी पेजेंट हैज बीन वेरी वेरी गुड एंड द कंटेस्टेंट्स हैव बीन गुड. And as I said, it takes a lot, so I just would like to wish him all the very best and the awards just to get better and bigger every year. जी बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है. आई एम सो ग्लैड टू हैव दिस अवार्ड. सो थैंक यू हबीब जी एंड विशाल कपूर. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा क्योंकि मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ. दे आर वेरी टैलेंटेड and what we can say, very hard working guys. And बस उनके लिए मैं वही प्रार्थना करूँगी कि आगे जाके बहुत अच्छा काम करे ये. और मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ रहे. यस. एंड एक क्वेश्चन और है कि आपने ये गाउन्स देखे, यू नो मॉडल्स वर वेयरिंग, सो व्हाट डू यू से अबाउट द गाउन्स एंड पनाश? अच्छा ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगे. मैं तो सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो भी मेरा अवार्ड शो रहेगा आपसे मंगवाऊंगी मैं. okay. पनाश से. थैंक यू. यस सीरियसली. या थैंक यू. आई जस्ट लव. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. इस अवार्ड के बारे में मैं अब क्या कहूँ, ये अपने आप में सारी लाइनें कह चुके हैं. और पॉपुलर चॉइस टेलीविजन एक्ट्रेस, तो मैं तो शुक्रिया कहना चाहूँगी. हबीब को कहना चाहूँगी मैं, विशाल जी को कहना चाहूँगी कि मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस खिताब से नवाजा. सो शुक्रिया. थैंक यू. विशाल जी के बारे में मैं तो जितना कहूँ कम है क्योंकि मैं इससे पहले भी एज जूरी जब मुझे बुलाया गया था तब भी मैं उस इवेंट का हिस्सा थी. और ये सारी चीज़ों में मुझे अपनी इस जर्नी में शामिल करने के लिए शुक्रिया. और मैं बार बार कहूँगी कि पनाश रनवे का एक हिस्सा बनाने के लिए मुझे शुक्रिया. और पनाश के गाउन्स कैसे लगे आज आपको? मेरी तो नज़र बस क्राउन पर ही है, मैं सच कहूँ तो. गाउन्स भी अच्छे लगे. और मुझे गाउन तो बहुत पसंद आया बट मेरी नज़र क्राउन पर है. तो एक दिन मौका आएगा कि मैं भी क्राउन चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह. थैंक यू. तो अवार्ड जो होते हैं वो हमेशा एक रिप्रेजेंटेशन होता है लोगों के प्यार का और उनके सम्मान का, उनके साथ का. और साथ ही इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं जब वो आपको पसंद करते हैं तो आपको एक अवार्ड से सम्मानित करते हैं. तो मेरे ख्याल से एक मोदी जी की सरकार है अवार्ड, जिससे आपको महसूस होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और करते रहिए. हौसला अफजाई के काम आता है. नहीं देखिए तो अच्छी बात है. जहाँ वो नाम छोड़ के हम सोच रहे हैं कि नाम रोशन करें, और नाम रोशन भी एक अपने आप में नाम है, रॉय भी अपने आप में एक नाम है. तो काफ़ी नामों की भी मिली जुली सरकार है. तो बड़ा मज़ा आया राहुल भाई से मिलकर, बड़ी खुशी भी हुई. बहुत सालों के बाद मुलाकात हुई उनसे तो बड़ा अच्छा लगा. सॉरी हाँ, विशाल जो है वो 5 साल से जो है वो पनाश चला रहे हैं, अवार्ड चला रहे हैं. और अपने आप में एक बहुत कठिन काम होता है कोई भी चीज़ को लगातार कई सालों तक चलाना. कोविड आया और अभी भी चल रहा है, तो इस सब के बीच में भी उनके अवार्ड जो हैं वो थमे नहीं. तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट, और आप कई सालों तक इस अवार्ड्स को एक नए परचम पे पहुँचाएँ और बड़ा बनाएँ. जी, पनाश अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है. वीके को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. बहुत रॉकिंग इवेंट था, अच्छा लगा सबको देखकर. और माई ऑल द वॉर्म एंड गुड विशेस विद पनाश एंड वीके ऑलवेज. जी नहीं, आज मैं एज एन गेस्ट यहाँ पे इनवाइटेड हूँ. मैंने ये जो अवार्ड आप देख रहे हैं, आज आप फैशन शो देख रहे हैं, इसकी जूरी मेंबर थी मैं. तो जो आज जितने भी कंटेस्टेंट सिलेक्ट हुए हैं उन सब की जूरी जो पैनल थी उसमें मैं थी. उनको मैंने सिलेक्ट किया है एंड आई एम फीलिंग सो ग्लैड कि सब के सब बहुत अच्छे और परफॉर्मर रॉकिंग स्टार्स सब आए हैं, अपलिफ्ट हुए हैं. बहुत टफ था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव
परफॉर्मर और रॉकिंग स्टार्स थे एंड आई विश ऑल ऑफ देम अ ब्राइट एंड हैप्पी फ्यूचर. क्या कुछ टिप्स है कि जो नए लोग मॉडल चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, क्या कुछ टिप्स देंगे आप? टिप्स बस इतने हैं, बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट गो फॉर इट, यू कैन विन द वर्ल्ड. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. जैसे कि आप सब जानते हो, मेरा नाम अरुणा शर्मा है, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और आज मेरे को पनाश की तरफ से अवार्ड मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और ये अवार्ड उनको मिलता है जिन्होंने कुछ कार्य किया हुआ है, जो अपनी फील्ड में किसी ने सफलता पाई है तो उनको मिलता है. तो आज सब महिला जितनी भी क्राउन ओनर थी उनको ये क्राउन मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ जी, पनाश के जो फाउंडर हैं वो विशाल कपूर जी हैं, वो डिज़ाइनर हैं. तो आज उन्होंने हम सब महिलाओं को ये अवार्ड से सम्मानित किया है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है. Shukriya. I'm very happy to receive this award today from Panache, from Vishal Kapoor, and of course my favorite Hussain. So receiving it from his hand was a great thing because he's my mom's favorite actor. So that was a really proud moment for me as well. So I would like to thank Vishal Kapoor and Panache, and today I seen all his designs which were worn by the queens. It is a fantastic show he's put up and the designs of his are really, really wonderful. Thank you Vishal Kapoor and thank you Panache for this beautiful award. सो किसी भी पॉलिटिशियन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उसके काम को सराहा जाए. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी एंड आई थैंकफुल टू माई फ्रेंड विशाल कपूर फॉर ऑनरिंग मी विद द अवार्ड ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट फॉर एक्सीलेंस. सो ड्यूरिंग कोविड हमने बहुत कोशिश की बहुत मदद करने की मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को. सो हेयर आई एम टुडे एंड कंग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस पनाश इमेज अवार्ड्स. इट वॉज अमेजिंग, वंडरफुल एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज. हेलो, माई नेम इज़ डॉक्टर परिन सुमानी. टुडे आई हैव गॉट द अवार्ड फॉर क्वीन लीग्स ऑफ गोल्डन अवार्ड बाय पनाश, द फेस ऑफ पनाश. एंड आई एम वेरी प्रिविलेज एंड आई एम वेरी ऑनर दैट विशाल कपूर एंड हबीब हैज गिवन मी दिस ऑनर टू बी हियर. बाय गेटिंग दिस क्वीन लीग अवार्ड दैट हैज गिवन मोर प्रेशर, मोर वर्क दैट आई हैव टू डू. एंड इट इज़ लाइक आई फील दैट आई एम अ क्वीन टुडे. इट मेड मी सो स्पेशल. सो दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ देम एंड आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेज वैन मोर अवार्ड्स वी आर गेटिंग. सो आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द पनाश ग्रुप एंड गेटिंग द क्वीन लीग्स अवार्ड. थैंक यू विशाल कुमार एंड थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू शैलेश भाई. मेरा नाम रूपा शास्त्री है. मुझे ना पनाश का इंटरनेशनल फेस करके चुना गया. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. थैंक्स फॉर पनाश, विशाल कपूर और अभी देने के लिए. थैंक यू वेरी मच. कैसा एक्सपीरियंस रहा आज आपको जब क्राउन आपको सेलेक्ट किया, एक्टर्स के हाथों से पहनाया गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? यस, बहुत खुशी हुई है ना कि फर्स्ट टाइम की इंटरनेशनल फेस. ऑलरेडी मैं इंटरनेशनल मॉडल हूँ, अभी पनाश की मैं इंटरनेशनल फेस हूँ. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. थैंक्स वीके फॉर दिस ऑनर. मैं बस यही कहना चाहूँगी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया. और पनाश तो बहुत बड़ा ब्रांड है, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया. आज जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है पनाश में जो अवार्ड जैसे है और इसके फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर विशाल कपूर और हबीब जी, इन्होंने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के अवार्ड से सम्मानित करा. और मैं इस अवार्ड से लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद. और इनका एक लोगों को 1 by 1 करके फैम देना और दूसरों को ग्रोथ तक लेकर जाना, यही मुझे तो लगता है कि मकसद है हबीब सर का भी और विशाल सर का भी. और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस इवेंट में ज्वाइन होने के लिए और मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ. और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि पनाश इमेज अवार्ड को आगे तक तरक्की मिले. और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं इस पनाश वॉच अवार्ड के साथ. थैंक यू. Orthodontist by profession. This is for excellence. I'm pursuing my PhD in orthodontics into research. So I'm very happy and I'm very thankful for Panache for awarding me
दिस अवार्ड. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. इट्स लाइक आई एम परस्यूइंग माई पी एच डी, सो दिस इज लाइक एन एनकरेजमेंट एंड आई कैन डू अ लॉट इन माई रिसर्च इन ऑर्थोडॉन्टिक्स एंड गेट टू मोर ऑफ कॉस्मेटोलॉजी. I'm actually associate professor in a dental college too. I'm a consultant orthodontist in Mumbai and Navi Mumbai, as well as pursuing my PhD too in DY Patil. Thank you so much. Good afternoon, all of you. I'm Swanalatha Rao. It's my immense pleasure to present over here fascinating and overjoyed event. It was a flawless event organized by Vishal Kapoor, founder of Panache Awards. I take this ease to congratulate him for this fabulous event, and I am deeply honored and very lovely moment and a great moment to give this black lady takeaway home. Thank you, Vishal. As a face of Panache 2022, एंड ये पेशेंट है, मेल पेशेंट फीमेल पेशेंट, मैं मिस्टर पेशेंट का विनर हूँ. एंड इसका क्या है कि स्पेशलिटी दिस इज़ द ओनली वन पेशेंट, उसमें ब्रेन विद ब्यूटी जैसे देखा जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर किए गए हैं. जैसे कि मैं मिस्टर का ही बात करूँगा बिकॉज फीमेल्स तो काफ़ी आपको बता देंगे उनके कैटेगरीज में क्या स्पेशलिटी है. सी आई बीन द विनर बिकॉज काफ़ी इंटेलेक्चुअलिटी देखा है, मेरा क्वालिफिकेशन आई एम अ पीएचडी डॉक्टरेट, आई एम एमएससी साइकोथेरेपी, एंड काफ़ी सारे क्वालिफिकेशंस को देखा गया है, उसको कंसिडर किया हुआ है. एज अ मॉडल लुक्स पर्सनैलिटी तो सब देखते हैं, बट उसके अलावा वॉट ओम फैक्टर यू कैन ब्रिंग इन टू द मॉडलिंग पेजेंट एंड हाउ यू कैन गेट रिकग्नाइज एंड ये रिकग्निशन आप कैसे यूज़ कर सकते हो. तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं विनर हूँ. एंड सेकेंड चीज़ क्या है कि आपने फीमेल पेजेंट्स के क्राउन्स देखे होंगे, पर मेल किंग का फीलिंग आ रहा है बिकॉज हाँ तो किंग मतलब इंटरनेशनली मैंने देखा हुआ है पेजेंट में पहना था. दिस इज़ वन ऑफ द ओनली फर्स्ट पेजेंट होगा जहाँ पे मेन्स को क्राउन्स पहना रहे हैं. सो आई एम रियली फीलिंग लाइक किंग टुडे, और वैंड है मैजिक वैंड. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आफ्टर दिस विनिंग एंड रिकग्निशन मुझे ऐसे लग रहा है कि आई विल डेफिनेटली यूज़ माई रेफरेंस फॉर एस्पायरिंग मॉडल्स ऑल्सो. एंड देखते हैं अभी कैसे काम होता है, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड विद क्रॉस फिंगर्स सक्सेसफुल. थैंक यू. Hi, my name is Asmita Nare and I won't make it long. So I'm the Miss. Oh, sorry. And I'm the winner of the Miss category. And I guess this is the greatest achievement till now, because then based on this I'll get many opportunities in future. And I would brag about like I have got this prize because of my height and the personality or stuff. But I would like the talent round, but the talent round was not here today. Yeah, thank you. Yeah, ma'am. Hello everyone, I am Priyanka Chheda, winner of Mrs. Face of Panache 2022. And I'm very much happy with winning this crown. First of all, I'm a Mrs., I'm a mother of a 5-year-old child. So obviously it was difficult for me to adjust everything. But thanks to my family who supported me entirely, who took care of my kid when I was out for work. And special thanks to VK sir, Habib sir, Panache Runway for giving us this opportunity so that we can enhance our talent, bring our inner personality outside and know us better. And I think after this, I would love to inspire more and more people for this. So I think I'm on cloud 9 right now. Yeah. नमस्ते, मी सोनल हजारे, मी महाराष्ट्र की मुलगी है. आज मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं मेरे पास, बट आज पनाश का है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. और मेरा ऐसे मानना है कि आई डोंट बिलीव इन मिरेकल्स, आई डू ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. मुझे लगता है जितना हमारी सोच जितनी अच्छी है उतना ही हम ब्यूटीफुल और उतनी हमारी सोच में भी आती है. तो बस मैं इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहती हूँ. और